हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपिका एंड यू आर वॉचिंग लर्निंग टिप्स फॉर बिगनर किड्स। वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन माई चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बात कर रही थी मैथ्स के डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर, और मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपको बताया कि आप किस तरह से आफ्टर और बिफोर और बिटवीन बच्चे को क्लियर करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरह से बच्चे को ओड वन आउट का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जैसा कि बुक में बच्चे को आप अगर देखेंगे मैथ्स की, तो यूकेजी क्लास में ये टॉपिक आ जाता है कि लाइक अ सर्किल द ओड वन आउट। अब यहाँ पर डिफरेंट बॉयज का जैसा दिया हुआ है कि डिफरेंट बॉयज दिखाए हुए हैं, और उसमें से एक बॉयज है जो कि डिफरेंट साइड में। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से आगे देखा जाए तो स्टार्स दिए हुए हैं, और स्टार्स में एक स्टार बिग दिया हुआ है। इसी तरह से कैट्स हैं तो एक कैट थोड़ी सी स्मॉल है, बाकी सब इक्वल साइज की। नहीं, नो, वन कैट इज लिटिल बिट बिग और अदर्स आर सिमिलर साइज। तो इस तरह से बच्चे को कन्फ्यूजिंग ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं इसमें बुक्स में, और बच्चे को इसमें उसे अंडरस्टैंड करना होता है कि विच वन इज ओड, कौन सा डिफरेंट है। फोर उसके पास सेम है और उसमें से वन डिफरेंट है, तो उसे ये फाइंड आउट करना होता है कि विच वन इज डिफरेंट। अब यहाँ और भी जैसे ट्राइंगल है तो अब जस्ट उल्टा कर दिया गया है, या ब्लॉक है तो एक बिग दे दिया है, या रेड है तो किस तरह से ये जो इनकी सीक्वेंसिंग चल रही है जिसमें से ए वन एक जो है वो डिफरेंट साइड में दिख रहा है। तो इस तरह से आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो आप बच्चों का किस तरह से क्लियर करेंगे, वही सेम बात आती है जैसा मैंने बताया कि आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेने हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि सिमिलर होंगे, जैसा कि यहाँ पे मैंने कुछ पेंसिल्स ली हैं जो कि कलर पेंसिल्स हैं, और वन है जो कि एक पेंसिल है, नॉर्मल पेंसिल है। तो बच्चे को इस तरह से आप इसमें पूछ सकते हैं कि इसमें से वन कौन सा डिफरेंट है, बाकी तो सब सिमिलर है, ऑब्वियसली कलर्स पेंसिल हैं और सेम साइज की हैं, और एक बिग साइज भी है और साथ में नॉर्मल पेंसिल है। तो इसी तरह से आप और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं, जैसा कि वेजिटेबल्स लीजिए, या आप उसके डिफरेंट कलर्स ले लीजिए, टॉयज ले लीजिए। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेते हुए आप बच्चे को ऑड वन आउट का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। इसी तरह से सिमिलर नंबर्स जब होते हैं उसमें से एक नंबर्स बच्चे को फाइंड आउट करना होता है, तो ये कॉन्सेप्ट्स बच्चे को नंबर्स को और अच्छे से बेहतर रूप से उसे समझने के, रिकॉग्नाइज करने के लिए करवाया जाता है। एक ही जैसे नंबर्स उसे लगातार दिए जाते हैं, और फिर उसमें से एक नंबर जो कि डिफरेंट दिया जाता है उसे फाइंड आउट करना होता है कि विच नंबर इज डिफरेंट। तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि आपको इस तरह से क्लियर करना है। तो आप इसे जो तरीका मैंने बताया उसके थ्रू आप करवाइए। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे, ओम शांति, बाय बाय, टेक केयर।